वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को लखनऊ से मंडल स्तर पर एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। आयुक्त सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव आर के तिवारी ने गोरखपुर के श्रम आयुक्त कार्यालय परिसर में प्रस्तावित मंडलीय कार्यालय के निर्माण कार्य के संबंध में समीक्षा की और पूरे परिसर की व्यवस्था तथा पार्किंग की व्यवस्था का जायजा लिया। गौरतलब है कि गोरखपुर में नया मंडलीय कार्यालय बनाया जाएगा जो उप श्रम आयुक्त कार्यालय व 7 संलग्न कुल क्षेत्रफल 3.2 एकड़ भूमि पर निर्माण प्रस्तावित है, जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 33,500 मीटर है, जिसमें बेसमेंट के साथ 9 तल, कुल 61 कार्यालय, सभी कार्यालयों के लिए श्रेणीवार केबिन, चैम्बर बैठने का विस्तृत प्रावधान, प्रत्येक फ्लोर पर 40 लोगों के मीटिंग हॉल, अपर ग्राउंड फ्लोर पर 50 लोग एवं 100 लोगों के मीटिंग दो मीटिंग हॉल, एक 300 लोगों की क्षमता का ऑडिटोरियम, आधुनिक केंद्रीय अभिलेखागार, कैंटीन, लाइब्रेरी, प्रतीक्षालय, बैंक, सुरक्षा चेक पॉइंट, विभिन्न पदों पर 9 कोर्ट रूम बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसको 30 वर्ष के अनुरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आपके साथ अधिकरण को उसको ओनरशिप वाली फ्लैट को देखते हैं।